नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। पुलिस थाना कानवल अंतर्गत समीप ग्राम रिटोदी में घर से 70 मीटर दूर कुएं से नाबालिग युवती की लाश मिली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रिटोदी के बालिका टीना पिता छगनलाल आदिवासी 15 वर्ष की घर से 70 मीटर दूर कुएं से आज सुबह 9 अप्रैल लाश मिली है। किसान खेत पर कुएं के समीप गया तो एक लाश तैरती दिखी, जिसकी सूचना ग्राम के चौकीदार को दी। कानवल थाना से TI KS गहलोत मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर लाश निकलवाकर बदनावर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। श्री गहलोत ने बताया कि 7 अप्रैल रात 1:30 बजे से सीमा घर से गुमशुदा होने की रिपोर्ट 8 अप्रैल को युवती के पिता ने थाने पर करवाई थी। आज युवती की लाश मिली है। कानवन से धर्मेंद्र शर्मा के साथ अजय पाटीदार की रिपोर्ट। जी, आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास चौकीदार के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी कुएं में है। चूँकि एक कुएं में एक किसान जो है, जो जिसका कुआ है, वो सिंचाई करने के लिए गया था और सिंचाई करने के बाद में उसने कुएं में जाके ढक के देखा तो कुछ डेड बॉडी तैरती हुई दिखी थी और उसी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया और उसका डेड बॉडी बाहर निकलवा के उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चूँकि इसमें 3 दिन पहले एक गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी, इनके परिजनों के द्वारा की गई थी, जिसमें वो लड़की रात के 1:30 बजे से गायब है 7 तारीख से, जिसको तलाश के आसपास नहीं मिली और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। फिलहाल मर्ग कायम करके जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जो भी तथ्य है इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।